This video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं बिजनेस तक। आईपीओ बाजार में निवेशकों को लगातार मुनाफा हो रहा है। आज भी चार नई कंपनियों की शेयर बाजार में लिस्टिंग हुई है, जिनमें से तीन कंपनियों की लिस्टिंग प्रीमियम पर हुई है, यानी कि इशू प्राइस से ऊपर शेयर लिस्ट हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले एक ज़रूरी बात, अब आईपीओ के लिए अप्लाई करना आसान हो गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से 5paisa ऐप डाउनलोड करें और खोलें अपना फ्री डीमैट खाता, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। 5paisa ऐप पर जाकर आप ट्रेडिंग के बारे में काफ़ी कुछ सीख भी सकते हैं, तो अभी डाउनलोड करें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज लिस्ट होने वाली चार कंपनियों में सबसे धमाकेदार लिस्टिंग दिव्यानी इंटरनेशनल की हुई है। दिव्यानी इंटरनेशनल की लिस्टिंग 141 रुपये पर हुई है, जबकि इसका इशू प्राइस 90 रुपये था। वहीं कृष्णा डायग्नोस्टिक की लिस्टिंग 125 रुपये पर हुई है, इसका इशू प्राइस 954 रुपये पर था। इसके अलावा XRO टाइल्स की लिस्टिंग 126 पर हुई है और इसका इशू प्राइस 120 रुपये था। साथ ही विंडलेस बायोटेक की लिस्टिंग 439 पर हुई है और इसका इशू प्राइस 460 रुपये पर था। पहले से अनुमान लगाए जा रहे थे कि दिव्यानी इंटरनेशनल की लिस्टिंग ज़ोरदार होगी, और हुआ भी ठीक वैसा ही। दिव्यानी इंटरनेशनल के आईपीओ को निवेशकों का अच्छा खासा रिस्पांस मिला है। दिव्यानी इंटरनेशनल का आईपीओ 117 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। जिन निवेशकों को दिव्यानी इंटरनेशनल के शेयर मिले, वो लंबी अवधि के लिए इस कंपनी में बने रह सकते हैं। लंबी अवधि में कंपनी आईपीओ से अच्छा मुनाफा करा सकती है। आपको बता दें, दिव्यानी इंटरनेशनल फूड कारोबार से जुड़ी हुई एक कंपनी है। ये कंपनी भारत में पिज़्ज़ा हट, KFC, कोस्टा कॉफ़ी और टाको बेल जैसे रेस्तरां चलाती है। पिछले 3 साल में ये कंपनी घाटे में है। देश भर में कंपनी के 692 स्टोर हैं। पिछले 6 महीने में कंपनी ने 109 स्टोर खोले हैं। इसके अलावा क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स के मामले में दिव्यानी इंटरनेशनल देश की सबसे बड़ी कंपनी है। इस सेगमेंट में तेज ग्रोथ की उम्मीद भी है, जिसका फायदा दिव्यानी इंटरनेशनल को होगा। इसी आधार पर बाजार के जानकार इस कंपनी के शेयर को लंबी अवधि तक होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। अब बाजार की नज़र कार्ट्रीड के आईपीओ की लिस्टिंग पर है। कार्ट्रीड की लिस्टिंग 23 अगस्त को हो सकती है। इस आईपीओ के भी प्रीमियम पर लिस्ट होने के अनुमान है। ग्रे मार्केट में कार्ट्रीड के आईपीओ का भाव 11% प्रीमियम पर चल रहा है। कार्ट्रीड का शेयर 1798 का है, जबकि इसका इशू प्राइस 1618 रुपये है। ग्रे मार्केट से जो संकेत मिल रहे हैं, उससे इसकी लिस्टिंग प्रीमियम पर होने का अनुमान है। इस महीने के आखिर में भी श्रीराम प्रॉपर्टीज और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ भी आ सकता है, लेकिन इन आईपीओ की तारीख अभी तय नहीं हुई है। कुल मिलाकर जुलाई की तरह ही अगस्त में भी आईपीओ बाजार में बाहर रहेगी। कुछ चुनिंदा कंपनियों को छोड़ दें तो आईपीओ बाजार में पिछले 2 महीने में निवेशकों को अच्छा पैसा बना है। अब निवेशकों की नज़र पेटीएम और मोबीक्विक के आईपीओ पर है। देखते हैं क्या होता है। खैर, बिजनेस, शेयर बाजार और आईपीओ से जुड़ी जानकारियां हम आप तक लाते रहेंगे। खबर पसंद आई हो तो इसे शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।